दिस इज लाइवर तारे बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्राम टिटेरा डॉट पी के टूडे वी आर डूइंग ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर ट्वेंटी थ्री दैट इज़ दायो टेक्नोलॉजी लाइफ स्टाइल सो अगर मैं बायोटेक्नोलोलॉजी की डेफिनेशन की बात करूँ तो बायोटेक्नोजी हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम या उसके किसी पार्ट का यूज़ करें ह्यूमन बेनिफिट के लिए तो इंसानों के फायदे के लिए हम लोग अगर किसी जानवर बैक्टीरिया या एनिमल्स को चेंज करते हैं मैनिपुलेट करते हैं तो वह सब जो है वो बायो टेक्नोलॉजी में शामिल होगी बायोटेक्नोलॉजी इस टाइम दुनिया के सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ बायोलॉजी है और सबसे ज्यादा रिसर्च सबसे ज्यादा स्कोप जो है वो इस टाइम इसी फील्ड का है तो अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अब जीन क्लोनिंग की कि जीन्स को कैसे क्लोन किया जाता है कैसे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाता है और कैसे उसकी मल्टीपल कॉपीज पर बनाई जाती है तो जीन क्लोनिंग के लिए हम लोग बेसिकली दो पॉसिबल वेज होती हैं जिनमें एक हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा हमारे पास पॉलीमरेज चीन रिएक्शन यानी कि एक मशीन होती है जिसके अंदर एक सिंगल स्ट्रैंड से मैं मिलियन ऑफ मिलियंस ऑफ डीएनए कॉपीज क्रिएट कर सकती हूँ तो पहले हम बात करते हैं रिकम्बिन डीएनए टेक्नोलॉजी की रिकम्बिन डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम एक डीएनए के सेगमेंट को लेते हैं और उसके अंदर सर्टन जीन्स को जो है वो इंसर्ट करते हैं और ये हमारे पास इन वीवो कंडीशन में होता है और ये हमारे पास इंडस्ट्रियल स्केल पर जो होता है ये काम हो रहा होता है फिर उसके बाद अगर मैं कॉम्पोनेंट्स की बात करूँ रिकम्बीनेंट टेक्नोलॉजी में तो उसमें सबसे पहले आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए यानी जो जीन्स चाहे अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ मुझे चाहिए कि मैं ह्यूमन इंसुलिन जो है वो उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहती हूँ या ह्यूमन इंसुलिन जीन से इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहती हूँ इंडस्ट्री लेवल पे तो इसके लिए मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इंसुलिन जीन होगी उस इंसुलिन जीन को मैं ह्यूमन डीएनए से जो है वो आइसोलेट करूँगी बाय यूजिंग द मोिक्यूलर सीजर्स फिर इसको मैं जो है वो कैरी करवाऊंगी कैरी करवा के जो अपने एक्सप्रेसिव सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जिसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने जो है उस जीन को इंसर्ट करवा के उसकी बॉडी में से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करना है चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो एनिमल हो तो उसको हम जो है वो एक्सप्रेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि वो जीन जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है अब इस जीन के लिए समटाइम्स जो साइंटिस्ट होते हैं वो आने से इस जीन को क्रिएट करते हैं समटाइम्स जो होता है वो उसको मैसेंजर आ रहे हैं से डायरेक्टली जो है वो क्लोन करते हैं कट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास सर्टेन टेक्निक्स होती हैं और ये टेक्निक्स डिपेंड करते हैं कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कौन सा है और आपको जो है वो किस तरह से वो जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इजीली आइसोलेट कर सकते हैं उसके बाद हम लोग जो दूसरा काम करते हैं मोिक्यूलर सीज़र मोलिकुलर सीज़र बेसिकली वो इन्जाइम्स होते हैं जो कि डी को एक ख़ास जगह से काट सकते हैं मोलिकुलर सीज़र हमारे पास इस टाइम दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ मालिक्यूलर सीज़र्स हैं उन सीज़र्स में पहली चीज़ आप तो याद रखते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है उसके लिए कौन सी सीज़र जो है वो अच्छी रहेगी जो कि सिर्फ उसी पॉइंट पे जो है वो डीएनए को काट सके तो वो सीज़र्स हमारे पास मोलिकुलर सीज़र्स होती हैं और हमें याद रखिएगा कि मोलिकुलर सीज़र्स जो है वो आपको जो है वो पूरी रिसर्च करनी पड़ती है फिर आप एक इंज़ाम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते इन्ज़ाम मंगवाते हैं चाहे वो डिफरेंट दुनिया के अंदर से शिपिंग के जरिए आप वो इंजाइम मंगवाते हैं उससे जो है वो अपने रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट के डीएनए को कट करते हैं अब डीएनए कट करने के बाद हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसके अंदर हम उस डीएनए को जो है वो डालें और वो जो है वो चीज हमारी जो है वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसिव सिस्टम तक बाफाजत हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचा दे तो उसको हम लोग वैक्टर कहते हैं अब वैक्टर्स के लिए हमारे पास जो सबसे पहले यूज हुआ था वो एकोलाई का प्लास्मिक था लेकिन अब जो है वो हम लोग यीस्ट के जरिए हम लोग बैक्टीरियोफेजेस के जरिए हम लोग जो है वो सर्टन रेट्रो के जरिए उन तमाम के अंदर जो है वो हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हैं और उससे जो है वो हम लोग कैरी करवाते हैं अपने एक्सप्रेशन सिस्टम में एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर जब हम लोग अपना लेकर जाते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने जो बॉडी जिसके अंदर हमने अपने डीएनए को लेकर जाना है उसको हम मैं होस्ट कह रही हूँ उस होस्ट को और मेरा रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके डीएनए को मैंने जो है वो कनेक्ट करवाना है और उस कनेक्शन के लिए मेरे पास जो चीज रिक्वायर्ड है वो है डीएनए लाइगेस अब डीएनए लाइगेस के लिए जो होता है वो बेसिकली हमारे पास मोरिकुलर ग्लू कहते हैं ये भी सर्टेन इंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे प्लास्मिड यानी कि वैक्टर को हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो जोड़ते हैं ताकि जो प्लास्मिड है वो उसके अंदर डेक्टो वायरस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए और वो इजीली हमारे जीन को कैरी कर सके एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर फिर इसके बाद जब मैं एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर वो लेकर जाते हूँ तो वो एक्सप्रेशन सिस्टम जो होता है चाहे वो बैक्टीरियाज हो सकते हैं चाहे वो एनिमल्स हो सकते हैं चाहे वो प्लांट्स हो सकते हैं जिनके अंदर वो जीन्स जो है वो मैस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे जैसे अगर आप लोगों ने अपने टॉपिक में देखा होगा तो हम लोगों ने जो है वो अगर इंसुलिन जीन जो है वो मैंने प्लांट्स के अंदर डाल दिया तो प्लांट्स के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उससे वो मैं केमिकल इजिली आइसोलेट कर लूँगी या मैं अपने इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डालूंगी तो बैक्टेरियाज के अंदर इंसुलिन जीन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसके अंदर से जो है मैं इसके केमिकल इंसुलिन हार्मोन को जो है एक्सट्रैक्ट कर लूँगी तो आपका एक्सप्रेशन सिस्टम डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो सिंथेसाइज या उसमें से जो है वो केमिकल प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए आप अपनी पसंद का एक्सप्रेशन सिस्टम जो है वो ले लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग एक और टेक्निक की बात करते हैं जो कि दूसरी टेक्निक है जिसमें हम डी क्लोनिंग करते हैं वो होती है पी टेक्निक पी टेक्निक जिसने पी टेक्निक को इन्वेंट किया था या पी टेक्निक क्रिएट की थी उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था और उस टाइम पे लोग समझते थे कि ये पी टेक्निक जो है उसके लिए यूजलेस एंड नोबाइल प्राइज जैसी बड़ी चीज़ का मिलना लेकिन आज ये बात साबित हुई है कि इस पीसीआर टेक्निक से हम लोग कितने भी कल्प्रेट्स कितने भी चीज़ों को सिर्फ एक सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए के जरिए जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं क्यों क्योंकि इस मशीन के अंदर मैं एक सिंगल स्टैंड ऑफ़ डीएनए से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकती हूँ एक दिन के अंदर अंदर अब ये कैसे बनती है उसके लिए जो है वो हमारे पास सर्टन मैकेनिज्म वगैरह होते हैं एंड देन हम लोगों के पास जो डीएनए आएगा पीसीआर मशीन के बाद उस डीएनए को एनालाइज करने के लिए मैं जो मशीन यूज़ करूंगी जो टेक्निक यूज़ करूंगी उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली हमारे पास एक एगर जेल होती है जिसके ऊपर हम अपने डीएनए के स्ट्रैंड्स को रन करवाते हैं वो डीएनए के स्ट्रैंड्स अपने मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे जो होता है वो सर्टन बैंडस क्रिएट करते हैं और फिर उन बैंड्स को हम लोग अल्ट्रावायलेट वायल्ट रेडिएशन के अंदर या सर्टेन रेस के जरिए जो है वो उनको देखते और डिटेक्ट करते हैं कि हमारा डीएनए जो है वो कितने बैंड्स का कितने साइज का जल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अगर मैं वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूँ तो पहले मेरे पास जो है वो मॉलिक्यूल आया जिसको मैंने वेल के अंदर डाला वेल वो सुराख होते हैं जिसके जरिए जो है वो हम सिरिंज के थ्रू अपने डीएनए को इंजेक्ट करते हैं फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो उसको पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और पावर सोर्स कनेक्ट करने के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की तो डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ और उस वजह से जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो स्ट्रैंड का साइज डी एन ए का छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे और जिनका बड़ा होगा वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकेंगे तो इसके बेसिस पे हमारे पास सर्टेन बैंड्स आते हैं और उन बैंड्स को जो है वो हम यूज़ करते हैं मदर और पेरेंट्स का जो है वो रिलेशन फाइंड करने के लिए कि किसी अगर कोई फ़ादर क्लेम करे कि ये बच्चा मेरा है तो उसको भी हम देखने के लिए कि उसके टेस्ट देखने के लिए जल एलेक्ट्रोफोराइसिस करते हैं इसी तरह जो डेड बॉडी होते हैं उस डेड बॉडी को उसके पेरेंट या उसके जो रिसीवर्स होते हैं उनके साथ उनको मैच करने के लिए हम लोग जो जे है जल एलेक्ट्रोफ्राइसिस की टेक्निक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं इवन कल्परेट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके डीएनए के ऊपर भी जो है वो हम जल एलेक्ट्रोफरसिस की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हम लोग इसी चीज़ को डी प्रोफाइलिंग कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग बेसिकली हम लोग जो होते हैं ये फोरेंसिक साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो होते हैं वो जल एलेक्ट्रोफोरैस टेक्निक को यूज़ करते हुए डीएनए को एनालाइज करते हैं आइडेंटिफाई करते, करते हैं और उस बेसिस पे हम लोग अपने क्रिमिनल को या अपने गर्ल को ईजीली पकड़ सकते हैं ये कैसे कर सकते हैं बेसिकली साइंटिस्ट जो होते हैं वो अगर आप देखो तो हमारे जो डेड हेयर्स होते हैं डेड स्किन सेल्स होते हैं वो हमारे हर जगह पर होते हैं और अगर हम लोग कोई क्रिमिनल किसी क्राइम सीन पे जाएगा तो उसकी बॉडी से जो डेड हेयर्स होंगे डेड स्किन सेल्स होंगे वो उसके क्राइम सीन पे शेड हो जाएंगे तो फॉरेंजिक साइंटिस्ट जो हैं वो जाइलिन एक केमिकल को यूज़ करते हुए उन हेयर्स और उन जो स्किन सैंपल्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे उनको एनालाइज करते हैं और फिर एनालाइज करने के बाद वो ये बता देते हैं कि क्रिमिनल जो है जो कि उस क्राइम सीन पे मौजूद था जिसने ये क्राइम एक्ट परफॉर्म किया है वो कौन है उसके अलावा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो अपने बच्चों की डीएनए मैचिंग करना चाहते हैं ये जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि ये वाकई उन्हीं का बेबी है उसके लिए भी जो है वो हम लोग डी एन एनालाइजिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं फिर इसके बाद हम लोग बैक्टीरिया या सर्टन ऑर्गेनिजम्स को भी जो है वो उस इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट हैं वो कर सकते हैं हम लोग डोनर और रेसिपिटी का जो है वो डीएनए मैच करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा डीएनए मैच करेगा इतना ज़्यादा ऑर्गन्स मैच करेंगे उसके बाद जो है वो हम लोग कोई भी सस्पेक्ट यानी कि हमें किसी पर शक हो उसका डी जो है वो हम यूज़ करते हुए क्राइम सीन से जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं जीनोम एनालिसिस की जीनोम एनालिसिस में क्या होता है कि हम अगर एक ऑर्गेनिज्म का जीन लेते हैं और उस पूरे जीन को जो है वो एनालिसिस एनालाइज़ करते हैं उस पूरे जीन को हम स्टडी करते हैं और फिर जो है वो सटेम उस जीन सिक्वेंसिंग करके उस पूरे ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें जो है वो अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने में जो है वो बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि अगर मेरे पास आपकी पूरी मरियमेंट्स आपकी पूरी जो है वो प्रोफाइल मौजूद होगी तो उसमें से मैं अपनी रिक्वायर्ड करेक्टर या अपने रिक्वायर्ड करैक्टर आपको फ्यूचर में कौन सी बीमारी लगेगी या आपके फ्यूचर में कौन सी डिजीज लगेगी वो फाइंड करने के लिए मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी तो इस जिनोम एनालिसिस को हम लोग ढूंढते हुए यूज़ करते हुए जिनोमिक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं जिनोमिक लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है कि हम लोग हर ऑर्गेनिज्म चाहे अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन जो है हम उसकी पूरी बॉडी के जीन्स को कट कर लेते हैं और फिर हमें हम पता होता है कि या इस जीन के अंदर या इस कटेड डीएनए एन फ्रैगमेंट के अंदर जो है वो इंसुलिन जीन है इस कटे डीएनए एन फ्रैगमेंट के अंदर जो है वो सर्टेन हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन है और उन जीन्स को हम लोग जो है वो स्टोर कर लेते हैं फिर उस जीनोम लाइब्रेरी से जो होता है वो अगर उस पेशेंट को आगे चल कर कोई प्रॉब्लम फेस करिए तो उस जिनोम लाइब्रेरी से हम लोग उस अपने रिक्वायर्ड जीन को उठाएँगे और उसको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो उस पेशेंट को जो है वो क्योर कर सकते हैं उस पेशेंट का डिजीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं तो फिर अब हम बात करते हैं क्लोनिंग की क्लोनिंग हम लोग उस टाइम पर करेंगे जब हमारे पास एक ऐसा है जिसके पास वो तमाम ट्रेड्स हैं जो कि एक ह्यूमन के लिए आइडियल हैं या एक ह्यूमन के लिए जो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और हम चाहते हैं कि ये ट्रेड्स जो हैं ये प्रिजर्व रहें ये ट्रेड्स आगे जाके उसकी आगे वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनमें लॉस्ट ना हो तो उसके लिए हम उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करेंगे उस आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं हम लोग प्लांट्स की क्लोनिंग कर सकते हैं एनिमल्स की क्लोनिंग कर सकते हैं या इवन ह्यूमन की क्लोनिंग भी कर सकते हैं क्लोनिंग के बाद जो है हम लोग बात करते हैं टिश्यू कल्चरिंग की टिश्यू कल्चरिंग ज़्यादा प्लांट्स की की जाती है बिकॉज हमें पता है कि हर सेल के पास ये पोटेंशियल होती है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सके इनटू एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म तो उस वजह से हम लोग जो होता है एक आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर किसी भी सेल को जो है वो ग्रो करवाते हैं और फिर जब वो सेल ग्रो करता है तो उस ग्रो करने से जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो आइडें आइडेंटिकल होता है उस ऑर्गेनिज्म से जिससे हमने वो सेल लिया होता है तो इसके पास हमारे पास सर्टेन टेक्निक्स होती हैं डिपेंड करता है कि हमने कौन सा टिशू जो है वो कल्चर करवा रहे हैं और उसके लिए हमारे जो है वो क्या पर्पज़ेज़ हैं उस कल्चरिंग के लिए तो इसमें हमारे पास एंथर टिश्यू कल्चरिंग जो है वो हमारे पास फ्लोरीपेंट टिशू कल्चरिंग होती है हमारे पास प्रोटोप्लास टिशू कल्चरिंग है मेरिस्टमैटिक टिशू कल्चरिंग है तो वो डिपेंड करा कि आपके पास कौन सा कल्चर है और किस चीज़ को आप किस टीशीज़ को आप कल्चर करें तो अब ये जो कल्चरिंग और ये जो कल्चर वगैरह करें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग हिब्रटाइजेशन बनाते हैं हिब्रटाइजेशन से बेसिकली हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं जिनके पास सर्टेन डिफरेंट जीन्स होते हैं और वो जीन्स की वजह से कुछ ऐसे ट्रेड प्रोड्यूस करते हैं जो कि आने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं जैसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन पर ग्रो कर सकें जो कि कम वाटर के अंदर जो है वो ग्रो कर सकें जो कि ड्रॉट कंडीशंस को फ़ेस कर सकें कोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकें हीट हाई टेम्परेचर में ग्रो कर सकें यानी हर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट जिसमें नॉर्मल प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता ये प्लांट्स जो ये हिब्रटाइज प्लांट्स जो है ये ग्रो कर सकें और इससे ये होगा कि जो फार्मर्स होंगे उनको जो है वो थोड़ी सी मेहनत में उनकी जो यील्ड होगी फूड होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और उस वजह से जो ह्यूमन ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनको फ़ूड की कमी नहीं होगी और हम लोग कम एरिया पे ज़्यादा फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो और यह हम लोग इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ऐसे प्लांट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी जो है वो फूड की क्वालिटी दें या हम थोड़ी सी फ़ूड में हमें वो तमाम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है वो मिल रही हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होती हैं तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन अगर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वो टोबैको मोजाक वायरस के अंदर लूसी जीन को इंसर्ट किया था जिससे वो टोबैको मोजैक वायरस जो था वो अंधेरे में ग्लो करना शुरू कर दिया था और उस ड्रॉइंट ने इस चीज़ को साबित किया था कि चाहे हम लोग एनिमल्स की जीन्स को प्लांट में इंसर्ट कर सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट ने जो था वो बैरियर्स को ब्रेक किया था यानी कि इस चीज़ को साबित किया था कि हर एनिमल हर डीएनए जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इंसर्ट करके उसके अंदर अपने डिज़ायर रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर उसकी वजह से हम लोगों ने रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस किए जो कि हरबी साइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थे यानी कि अगर इंसेक्ट का अटैक होता है या वीड्स का अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट प्लांट्स को जो है वो कोई हार्म नहीं पहुँचता और प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं और अपनी जो कोई भी यील्ड होती है उस पर इफेक्ट नहीं आता फिर इसके बाद हम लोगों ने सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स प्लान्ट्रिएट किए सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स थे जो कि हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन पे ग्रो कर रहे थे उस वजह से ये हुआ कि इवन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो उसमें जो है वो पचास परसेंट लैंड ऐसी है जो कि हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन रखते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल प्लांट ग्रो नहीं कर सकते अगर हम लोग इसके हाई साइड टॉलरेंट प्लांट के अंदर हम लोगों ने वीट कॉर्न और दूसरे ऐसे जो फूड ग्रोइंग क्रॉप्स हैं उनको प्रिपेयर किया और अगर हम लोग उसे यूज़ करें तो हम लोग ये जो सॉल्ट प्लांट है हाई सॉयलिटी सॉइल्स हैं उनके अंदर ये प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और हम लोग जो अपनी यूजलेस सॉइल है उसके ऊपर कल्टिवेशन करके जो है वो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास जो है वो सर्टन सॉल्ट ऑल प्लान्स प्रोड्यूस किए कोल्ड हील प्रोड्यूस की ऐसे प्लान्स प्रोड्यूस किए जिनका वुड पर्व जो था वो बहुत ज़्यादा था फिर हम लोगों ने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो थी वो की इंक्रीज़ की जिसके अंदर प्रोटीन स्टार कॉन्टेंट था अमीनो एसिड कॉन्टेंट था डिजीज़ प्रोटेक्शन थी तो उस वजह से हमारे पास जो प्लान्ट प्रोड्यूस हुए थे वो तमाम जो थे वो चैलेंजेस को फेस करने वाले थे ईजी टू ग्रोथ थे और हर हार्ज कंडीशन में जो था वो ईजी सर्वाइव कर सकते थे फिर हम लोगों ने इन प्लांट्स के अंदर ऐसे भी ह्यूमन जीन्स पे इंसर्ट किए जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जेनेटिक डिजीजेस होते हैं उनको क्योर करने में जो था वो मदद मिल रही थी इवन हम लोगों ने जो था वो डिजीज, ऐसे डिजीज़ ऐसे एंटीजेंस जो थी वो रेडियो एक्टिव एंटीज एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना शुरू की जो कि हमें ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर रहे थे कैंसर को क्योर करने के लिए हेल्प कर रहे थे इंसुलिन की प्रोडक्शन की जैसे आप सबको पता है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनकी अपनी बॉडी इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती तो इस चीज़ के ज़रिए हम लोग ह्यूमन डिजीजेस को क्योर करने के लिए जो जींस होते हैं वो प्लान्ट ग्रो करवा सकते हैं प्लांट्स फिर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं और जो प्लांट्स की वराइटीज़ होगी उस प्लांट से जो हमें फूड मिलेगी उस प्लांट से जो हमें केमिकल्स मिलेंगे उन केमिकल्स में एंटीबॉडीज़ हार्मोन और वो तमाम चीज़ें होंगी जो कि जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए या ह्यूमन डिजीज को क्योर करने के लिए जरूरी हो। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो गया आई होप आपको आज की समरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी दिस इज लाइव तारीफ फ्रॉम टिटोरा डॉट पी के साइनिंग ऑफ यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर अल्लाह